ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे अदृश्य नियमों के पारखियों, विश्ववासियों के लिए स्वास्थ्य और उच्च चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवार कर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए हमें धन्यवाद प्रार्थना करनी चाहिए। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से सब अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवक तैयार हुए हैं। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर हम भी लोक कल्याण में भागीदार बने, ऐसे उद्देश्य की आज आवश्यकता है। सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए योग्य निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां हर जीव से दूर रहे और स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे। ऐसी समझ मन में रखकर हम सब हाथ जोड़कर या उठाकर प्रेम भाव में प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए, विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं, इसलिए आपका आभार। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवार कर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से हम अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं।
इस कृपा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुम्हारे अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर सब चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। हे परमात्मा की कुदरत, हम सबको बल दो ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए सही निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां जीवों से दूर रहें और स्वास्थ्य सदा पास रहे। स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे, स्वास्थ्य सबके पास रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य का पता सबको चले, सबको चले, सबको चले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान ही पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जो मतलबी है। इंसान ही, कोई जानवर मतलबी नहीं है। देखो, जानवर जंगल से जा रहा है, एक हरा पेड़ है, एक छोटा पेड़ है, एक सूखा हुआ पेड़ है, एक लंबा है, तो वो कहता है कि ये लंबा क्यों है, ये सूखा क्यों है, ये हरा क्यों है। पर इंसान क्या बोलेगा, ये हरा क्यों है, ये लंबा क्यों है, ये टेढ़ा क्यों है। तो जब भी मन बड़बड़ करे उसको जवाब देना सीखें। जब मन कहे कि ये लंबा क्यों है तो जवाब क्या देना, क्योंकि वो लंबा है, फुल स्टॉप लग गया। पहले लगेगा ऐसा क्यों कहे हम, वैसा क्यों कहे, पहले मन लॉजिक सोचेगा। मरे करके देखो कि जब सुबह उठे लाइट बंद क्यों है, क्योंकि लाइट बंद है, उतना ही उसका जवाब है। इसने ऐसा मुंह टेढ़ा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये स्कूल बैग इधर ही रख दी, क्यों रख दी, क्योंकि यहाँ रख दी। तो जो घर में हाउसवाइफ है उसके आधे टेंशन खत्म हो जाएंगे, ऑफिस में बॉस है उसके टेंशन खत्म हो जाएंगे। कम से कम जहाँ दुख आता है वहां तो मतलब निकालना बंद करो। अगर आपको कहा जाए कि ईश्वर किस चैनल से सबसे ज्यादा मार्गदर्शन करना चाहता है, किस तरीके से, कहां से, तो वो जवाब क्या होगा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आपको अपने अंदर से ही वो गाइड करना चाहता। सबसे आसान बेस्ट तरीका, आपको अंदर से ही गाइड किया जाए। मगर तकलीफ क्या है, उलझन क्या है, इंसान ने अंदर के माइक पर इतनी पट्टियां बांध दी है कि वहां से जो कहा जा रहा है इंसान को सुनाई नहीं देता। अंदर के माइक में इतना उलझाया गया है, तो ईश्वर अंदर से बात कर ही रहा है मगर वो माइक पूरा बंद कर दिया गया। तो इसलिए बाहर से मार्गदर्शन देकर अंदर के माइक की पट्टियां उतरवाई जाती है। प्रवचन में क्या होता है, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वही ज्ञान जो आपके अंदर है पहले से ही। बाहर का मार्गदर्शन, बाहर का गुरु अंदर के गुरु को जगाने के लिए आता है, वरना लोग शरीर को ही गुरु मानकर बैठ जाते हैं। तो अंदर के माइक की पट्टियां खुले। अगर विश्व के सारे लोग एक समय पर प्रार्थनाएं करने लग जाएं, तो सबकी मिलीजुली प्रार्थनाओं से एक बड़ा चमत्कार हो सकता है। समस्याएं जो आज हैं, चेतना की लेवल कम होने की वजह से, आतंकवाद की समस्या है तो चेतना का स्तर कम होने की वजह से, उसी चेतना पर रहकर आप इस समस्या को नहीं सुलझा सकते। जो समस्या जिस चेतना के स्तर पर आई है उसी स्तर पर सुलझती नहीं है, चेतना को बढ़ाना होगा। चेतना को बढ़ाकर सुलझाओ, तो उसके लिए पहले तो हमें हर इंसान को अपने ऊपर काम करना होगा। नई चेतना की लेवल आएगी, नई समस्याओं की सुलझने आपको दिखाई देगी, नए तरीके क्या है, नई आइडियाज क्या है। पुरानी लेवल पर पुराने तरीके ही आएंगे, आज तक जिन तरीकों से सुलझाया गया वे ही तरीके सुझाई देंगे। नए तरीके को एक्सप्लोर करना है तो चेतना को बढ़ाना होगा। इंसान घटनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने पास चाहता है, मेरे मन मुताबिक घटना हो, ऐसा रिमोट कंट्रोल चाहिए। बीवी मेरे कंट्रोल में रहे, पति मेरे कंट्रोल में रहे, बच्चे मेरे कंट्रोल में रहे, बच्चे कहेंगे माँ बाप मेरे कंट्रोल में रहे, बॉस कर्मचारी के लिए, कर्मचारी बॉस के लिए, और इस अवरोध में कितना दुख है। कल्पना करके देखो, आपके जीवन में सारा विरोध समाप्त हो गया, आप चेयर पर बैठाए गए हैं, जमीन पर बैठाए गए हैं, आप कहेंगे कोई विरोध नहीं, जो भी घटना हो रही है जीवन में आपका कोई विरोध नहीं। आपकी आंतरिक फीलिंग कैसी होगी, खुशी, आश्चर्य, सराहना, प्रेम, आनंद, मौन, इन फीलिंग्स में आप जब रहोगे तो आप चाहोगे इसी में मैं स्थापित हो जाऊं, घटना कैसे भी बदले। क्योंकि अगर आप ये साधना कर पाए, क्योंकि यही साधना है ना, आज सुना और तुरंत शुरू हो गया ऐसा नहीं हुआ, आपने खुद को याद दिलाया, ये याद दिलाना साधना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।